मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिमीज फैमिली। क्या हाल है सबका? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। अभी देखिए, मॉर्निंग के वक्त जिदान को उसका स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम लोग सीधा निकल गए इजान को लेते हुए अपना स्कूल। वहां पर इजान का एग्जाम चल रहा है और आज इजान का थर्ड एग्जाम है और आई होप कि आज का एग्जाम भी इजान का अच्छा ही होगा। आज मॉर्निंग का बिगनिंग तो काफी अच्छा हुआ, बट जब हम लोग घर रिटर्न आ रहे थे, मतलब हम लोग ऑलरेडी लेट थे। एक्चुअली मेरा क्लास चल रहा था, जिस रीजन से बिल्कुल भी गौर नहीं कर पाए थे और इसीलिए थोड़ा सा लेट निकले। और एक तो लेट, फिर देखिए बाइक का टायर पंचर हो गया था, अब यहाँ पर देखिए बनवाना पड़ा और इसके लिए थोड़ा सा टाइम हम लोग को देना पड़ा। मतलब ज्यादा टाइम नहीं दिए हम लोग, 5 मिनट्स तक ही दिए। पर टायर पंचर जो हुआ वो ठीक हो रहा है। और इस बीच इजान देखिए टायर कैसे ठीक हो रहा है, मतलब वो गौर से देखेगा, ऐसा लग रहा है उसको हर एक चीज ही मालूम है। हाँ, जिदान के पापा देख रहे थे, ये समझ में आ रहा था वो क्यों देख रहे थे, बट इजान कितना इंटरेस्ट के साथ देखता रहेगा आप खुद ही देख सकते हैं। तो इस तरह से काफी हंसी आ रहा था। इजान को देखिए बिल्कुल भी बदमाशी वो नहीं कर रहा, वो एकदम गौर से देख रहा है किस तरह से ठीक हो रहा है। ऐसा लग रहा है नेक्स्ट अगर खराब होगा टायर तो वही ठीक कर देगा। टायर ठीक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट्स ही लगा। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे और जल्दी से हम लोग को जाना था क्योंकि 1:30 यही पर हो गया और जिदान का ऑलरेडी स्कूल छुट्टी हो जाता है 1:30 में। हम लोग जल्दी से जाने लगे और हम लोग को पहुंचने में 20 मिनट्स लग गया था। मतलब जिदान 20 मिनट्स तक हम लोग का वेट कर रहा था। जिदान छुट्टी के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ काफी मस्ती करता रहता है, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वेट करवाना। बाद हम लोग लंच भी कंप्लीट कर लिए अपना, अब इजान सोएगा। इजान बेड में देखिए, अब बदमाशी इसका हो रहा है। अभी हम लोग सोने वाले हैं और जिदान का अभी ट्यूशन है, जिदान से भी लेटा हुआ है मेरे पास। अब जिदान जा रहा है अपना ट्यूशन, अभी ट्यूशन। और उससे पहले देखिए इजान चला गया, अभी वो फिर रिटर्न आएगा। इजान का नाश्ता कंप्लीट हो गया है, अभी वो खेलने में बिजी है, बट अभी उसको जाना है ट्यूशन। पहले वो काफी रोने लग जाता था, बट अभी बिल्कुल भी वो रोता नहीं है। मतलब वो अपना खेल में बिजी है, वो एक्चुअली ट्राई कर रहा था कि मम्मी नहीं भेजे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा। अल्लाह हाफिज। इजान तो चला गया पढ़ाई करने और जिदान भी अपना स्टडीज कंप्लीट कर रहा है। और इस बीच देखिए वेजिटेबल्स लेके बैठे हुए हैं, अभी इसको बनाना है, बरबटी आलू का सब्ज़ी बनाना है। और साथ ही साथ मेरा टाइम पास चल रहा है यहाँ पर, देखिए दूसरे मोबाइल में एक्चुअली मोबाइल देखते हुए मेरा टाइम पास भी हो रहा है और जल्दी से वेजिटेबल्स कट भी हो जाएगा। आज थोड़ा सा प्रेशर भी है क्योंकि अभी भी मेरा नमाज कम्प्लीट नहीं हुआ, मेरा नमाज अभी भी बाकी है, जल्दी से इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। देखिए जिदान का डिनर कम्प्लीट हो गया है, जिदान का डिनर कंप्लीट हो गया है। और जैसे ही इजान अंदर आया, आने के बाद वो क्या बोल रहा था बेटा, क्या बोले बेटा? अच्छा, मेरा बेटा आ गया। और घर का हालत देखिए, हम लोग हर 2-3 दिन में एक बार करके इस तरह से बैठते हैं। और सारा क्लोथ देखिए अभी क्लियर हो रहा है। और इजान देखिए अंदर बैठे बैठे खेल रहा है। बेटा डिनर, अभी 9:30 हो रहा है, जिदान अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, अभी इजान भी अपना डिनर कंप्लीट करेगा। जिदान, इजान जल्दी आओ। जिदान का और इजान का दोनों का पढ़ाई कंप्लीट हो गया है और अब डिनर करवाएंगे और थोड़ा देर तक उन लोग खेलते रहेगा। इजान डिनर करेगा और अभी देखिए मोबाइल में बिजी हो गया है, तो अभी हम लोग मना नहीं किए क्योंकि इजान अभी डिनर करेगा, डिनर कंप्लीट होते ही उससे फोन छीन लिया जाएगा। बच्चों का डिनर कंप्लीट होने के बाद देखिए अब नमाज पढ़ने जाना है। और यहाँ पर देखिए ये जो मिल्क है एकदम आइस बना हुआ है, जब तक ये मेल्ट होता रहेगा तब तक मेरा नमाज भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चे तो डिनर कर चुके हैं, अभी दिखाने का मौका मिला इसीलिए अभी देखिए दिखा रहे, क्योंकि उस टाइम जिदान को डिनर करवाना था, थोड़ा सा जल्दी में थे। ये बरबटी का सब्जी जो है ये रेडी हो गया है
और हम लोग को ऐसे ही पसंद है खाना, रीजन से हम लोग बरबटी का सब्जी इस तरह से बनाते हैं। और आज का एकदम सिंपल सा वीडियो था, ओके आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। एक्चुअली हम लोग सुबह से लेकर शाम तक नॉर्मल जिस तरीके से सबके घर में होता है आज हम लोग वही किए। आई होप कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा मेरा ये व्लॉग भी। तो आज का वीडियो ये पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे और एक न्यू व्लॉग में, क्योंकि आप लोग ऊपर का हालत देख ही चुके होंगे, बहुत सारा क्लोथ्स है, अब अलमीरा में सेट भी करना है, तो बहुत सारा काम है। चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर चलने के बाद ही बच्चे अल्लाह हाफिज़ बोलेंगे आप सबको। जिदान इजान चलो अल्लाह हाफिज़ बोल दो, बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे और एक न्यू व्लॉग में। इजान बोल दो बेटा, बाबू बाबू अच्छे से बोलो बेटा, इजान बोलो बहुत जल्दी मिलेंगे और एक, ए बेटा इधर देख के, और एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।